उच्च अम्ल बोलते हैं, उच्च वसा अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च वसा अम्ल बोलते हैं। फिर से ध्यान दो, वसा के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे? अब इसमें सिस्टेरिक अम्ल ही कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जैसे उसमें एसिटिक अम्ल होता था, इसमें क्या है? सिस्टेरिक अम्ल है। तो क्या कर रहे हैं, वसा को ग्लिसराल के साथ जब अब क्रिया करा रहे हैं तो उच्च वसा अम्ल मिल रहा है। उच्च वसा अम्ल का नाम क्या है? सिस्टेरिक अम्ल, C17H35COOH। और ये एस्टर होते हैं एक प्रकार के, ये एक प्रकार का क्या है? एस्टर है। ये एक प्रकार का क्या है? एस्टर है। और वसा का जल अपघटन जब कराते हैं तो हमें उच्च वसा अम्ल मिलता है और क्या मिलता है? ग्लिसराल मिलता है। तो एकदम सिंपल में बोलिए कि वसा और ग्लिसराल के उच्च वसा अम्लों जैसे सिस्टेरिक अम्ल के साथ बने एस्टर होते हैं, और वसा का जल अपघटन कराने पर उच्च वसा अम्ल और ग्लिसराल प्राप्त होता है। उच्च वसा अम्ल क्या है? यही C17H35COOH, जिसमें H प्लस आयन पाया जा रहा है वो क्या है? अम्ल है। और इसका पूरा नाम है सिस्टेरिक अम्ल। फिर से देखो, वसाओं के साथ जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे? वसाओं के साथ जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे? आप एकदम सिंपल भाषा में कहिए कि आप क्या क्या ले रहे हैं। पहला चीज क्या ले रहे हैं? वसा। और क्या ले रहे हैं? आप कहिए कि वसा और ग्लिसराल की अभिक्रिया कराने पर उच्च वसा अम्ल प्राप्त होता है, जैसे सिस्टेरिक एसिड C17H35COOH, और वसा का जल अपघटन कराने पर उच्च वसा अम्ल और ग्लिसराल प्राप्त होता है। अपनी भाषा में कह दीजिए, फिर से समझिए, वसा और ग्लिसराल जब आपस में क्रिया करते हैं तो उच्च वसा अम्ल देते हैं, जैसे C17H35COOH, ये सिस्टेरिक अम्ल है, और वसा का जल अपघटन कराने पर उच्च वसा अम्ल और ग्लिसराल प्राप्त होता है। नहीं समझे? वसा और ग्लिसराल पहले याद करिए, वसा और ग्लिसराल का जब अपक्रिया कराई जाती है, वसा और ग्लिसराल की जब क्रिया कराई जाती है तो उच्च वसा अम्ल प्राप्त होता है, जैसे C17H35COOH, सिस्टेरिक एसिड नाम है इसका। और जब वसा का जल अपघटन कराते हैं तो उच्च वसा अम्ल और ग्लिसराल प्राप्त होता है। तो उच्च वसा अम्ल क्या है? सिस्टेरिक अम्ल। तो आप एकदम सिंपल में देखिए, ये कहना क्या चाहते हैं।